Good morning, friends. We are ready. It's day three, and we are ready to see the forest. It's like a safari. तो आज हम कहाँ जा रहे हैं? कैलाश भैया के साथ फिर हम आ गए. आज जाएंगे आप रेने फॉल्स. क्या नाम है उनका? रेने फॉल. रेने फॉल. हाँ, तो वो रेनी सीजन का कुछ है ना, वहाँ पे वाटरफॉल्स होता है बारिश के टाइम. बहुत सारे वाटरफॉल्स होते हैं, तभी उसका नाम रेने फॉल्स पड़ गया. एंड एक पर्टिकुलर हाइट पे है वो, ऊपर से नीचे दिखता है. एंड वहाँ वॉल्केनो इरप्ट हुआ था काफी सालों पहले. एंड 60 feet डीप वहाँ पे कुछ पॉन्ड जैसा है. एंड देर आर रॉक्स विच वॉज द वॉल्केनो. इट्स बिकम इन टू अ रॉक नाउ, सम ब्लैक रॉक. सो वो सब मैंने खुद ऑनलाइन सोशल मीडिया के थ्रू देखा. एंड आई वांटेड टू सी पर्सनली, सो आई थॉट वी विल गो एंड हैव अ लुक. एंड वहाँ फॉरेस्ट के अंदर से जाते हैं ना जी. पूरा आपकी गाड़ी चलेगी, मतलब ये गाड़ी जाएगी अंदर? हाँ, रेने फॉल्स तक. अंदर तक? रेने फॉल्स तक जाएगी आपकी अंदर. तो हम पूरा वहाँ कुछ एनिमल्स हैं, कुछ है जानवर कुछ मिलेंगे देखने को? जानवर तो मैंने देखे नहीं, वो गाइड आपको बताएगा. गाइड होंगे ना साथ में हमारे? हाँ, देयर विल बी अ गाइड आल्सो. ही सुपर एक्साइटेड बिकॉज दिस इज समथिंग ऑल न्यू फॉर हिम. I haven't gone for something like this, like with a guide and like a mini safari, I can say. We'll go for future safari, which I'm looking forward also. But abhi to hum ye chhoto sa safari karenge. And the view is beautiful, like I said. Phir shayad hum kuch mandir jitna ho paaye, kyunki aaj hum relax hain. We just don't want to rush. We want to enjoy this, what we are going for now. And agar on the way jaise mandir mil gaye, jo hai, कैलाश भैया हमको दिखा देंगे वो मंदिर. फिर हम कल भी देखेंगे क्या कैसे चलता है. फेयर तो फन फेयर जा नहीं पाए, बहुत थक गए कल. तो हम वो मेला नहीं जा पाए. मेला नहीं जा पाए, बहुत थक गए कल. देखा हम कितना थक गए. आज शायद शाम को देखेंगे जी. कोशिश करेंगे शाम को, रात को. रात का एक घंटे का मंदिर राइट, या मंदिर यही राइट में है. इट्स ब्यूटीफुल शिव जी मंदिर, बड़ा. चले फिर हम निकलते हैं, बस मम्मी डैडी आ रहे हैं. कितने बजे आज? लेट हो गया हमें, बहुत लेट काफ़ी लेट कर लिया. कल हम सुबह सुबह निकले थे, कल अच्छा था. अब लेट निकले हैं तो वो दिन ऐसे ही जाएगा, पूरा दिन निकल जाएगा. कल हम आ गए थे कुछ 3:30 4 बजे तक आ गए. आज इट्स गोना बी अ होल डे आउट. बट स्टिल वी हैड ब्रेकफास्ट, हमने कुछ खाया भी नहीं था. आज हम खा पी के निकले अच्छे से, तो इतना स्ट्रेस नहीं है. वी पैक्ड सम नाइस लवली पराठास वेयर वी आर स्टेइंग, लाइक अ होम स्टे. एंड for the kid, we are good. We packed some food also because it's too far where we are going. So I don't want to try outside food. We have to take care of our health also. So let's go and I'll take you along. Mom, Dad, and mom and son. Compulsory thing to take a guide, which is good, I think, for 125. And since we have come in this electric rickshaw, so we have to pay 300, which includes the driver and like 3 adults. Kids are free, so it's good enough. It's a 3 kilometer drive from here. फ्रॉम द स्टार्ट एंट्री गेट हम 3 किलोमीटर ड्राइव लेंगे. एंड फिर हमें गाइड मिलेगा, वो गाइड हमें थ्रू आउट हमारे साथ रहेगा और शो अस अराउंड, गिव अस ऑल द राइट इन्फॉर्मेशन. एंड
जंगल के अंदर घुस गए हैं तो नेशनल पार्क है ना ये, तो नेशनल पार्क है खजुराहो का नेशनल पार्क में है। हाय क्रिश, लुक अप, हेलो। मैं आगे बैठी हूँ। सर आपका नाम? हमारा नाम है राजबिंद जी, और मैं गाइड हूँ। मैं आपको रनी फॉल के बारे में जो भी जानकारी है, रॉक्स फॉर्मेशन, कैनियन क्रेटर, ये सारा बताऊंगा। परफेक्ट। ये जो जगह है, इस जगह का नाम है रनी फॉल। इस रनी फॉल का देखने का दो टाइम का होता है, एक मॉनसून, एक विंटर। अच्छा। अब तो ये ऑफ सीजन आ गया, थोड़ी सी धूप बढ़ जाती है तो गर्मी हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ रॉक्स फॉर्मेशन होता है। ओके। लेकिन इसमें अपन अगर विंटर में देखते हैं तो दोनों चीज दिखाई देती है, रॉक्स भी और वाटरफॉल भी। अच्छा। बारिश में आते हैं तो सिर्फ वाटरफॉल। ओह। और अच्छा। ये जो वाटरफॉल है, ये कोई खनिज या कोई माइनिंग से बनी हुई जगह नहीं है। इसका जो भी अपन सेकंड वाला पॉइंट देखेंगे, वहाँ पे एक वोल्केनो क्रेटर देखेंगे। अच्छा। इसमें पांच कलर के डिफरेंस कलर के रॉक्स देखेंगे, जो एक इग्नियस रॉक्स होंगे, वोल्केनो क्रेटर देखेंगे, वहीं से एक कैनियन देखेंगे जो करीब 5 किलोमीटर लंबी कैनियन है, जिसे विंटर में और अभी इंडिया का मिनी ग्रैंड कैनियन बोलते हैं। ओके। ये जो सामने एरिया आप देख रहे हैं ना, ये एक रिवर है। इस रिवर का जो हिंदी नाम है करुणावती है, इंग्लिश नाम है जो इसका केन है। इस नदी की जो स्टार्टिंग है वो एमपी डिस्ट्रिक्ट कटनी से होती है, विंध्याचल पर्वत से। अच्छा। करीब 125 किलोमीटर दूरी से, और यहाँ से 200 किलोमीटर आगे जाके डाउन हो जाती है बांदा जिला चिल्लाघाट यूपी यमुना में, यमुना से गंगा में। इसका देखने का दो टाइम का ही होता है, बारिश और विंटर। सामने जो फर्स्ट में पानी भरा हुआ आप लोग देख रहे हैं, ये जी, वाला जी। ये करीब ऊपर वाला 30 फीट नीचे डीप में भरा हुआ है। 30 फीट जी। ओ, उससे जो नीचे है वो 90 फीट नीचे डीप में भरा हुआ। अच्छा, है नीचे भी वो छोटा वाला जो है नीचे। मैं फोन में ड्रा। नो, नो। देखिए मैम साहब, यहाँ पे पत्थरों पे नीचे जाना बंद हो गया, क्योंकि पहले लोग जाते थे तो लोगों की यहाँ पे काफी एक्सीडेंट से डेड हो गई है। ओह, राइट, मैंने सुना है, राइट। तो उनकी जिनकी एक्सीडेंट से डेड हुई, उनकी डेड बॉडी भी नहीं मिली है, क्योंकि कुछ लोग बारिश के समय में यहाँ पे पैर स्लिप होके चले गए तो वो बह गए, और कुछ लोग जैसे कि एक दो विंटर में जो हुआ एक्सीडेंट, तो वो क्रोकोडाइल भी होते ना इसी पानी में। ओहो, तो इसकी वजह से है जो इसीलिए क्रोकोडाइल है इसमें होते हैं। लेकिन अभी तो देखने का नहीं होगा, क्योंकि अभी धूप हो जाती है, तो धूप सेकने के लिए ही निकलते हैं वो, तो ठंडी में जब ठंडी होती है ना तब, तो जाके वो पत्थरों पे लेट जाते हैं, अपन उनको देख सकते हैं। सो यहाँ पे आज से करीब 20 से 25 साल पहले यहाँ पे रेलिंग, स्टेप कुछ नहीं रहता था, गाइड अच्छा, भी नहीं रहते थे। अच्छा। लेकिन इसमें जब वो 1992 में जो 2-3 एक्सीडेंट हुए ना, तभी से एमपी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने यहाँ पे स्टेप बनवा दी, रेलिंग लगा दिया, पॉन्ड बना दिया। इस पेड़ का नाम है कुल्लू, इसमें कट लगाने पे एक गोंद निकलती, जिस गोंद के लड्डू बनते। अच्छा, गोंद लड्डू खाने वाले। हाँ, गोंद देता है ये, वो झाड़ है। अच्छा। और ये जो ब्लैक कलर का टीकवुड आल्सो यही से तेंदू पत्ता है, जिसकी इंडियन स्मोकिंग बड़ी बनती है। अच्छा,
और आपके पीछे जो नीम जैसे पत्ते वाला पेड़ है यही वाला, यह सलाई का, इसमें कट लगाने पे एक वैक्स निकलती है जिसकी वैक्स को यूज करते हैं किंडल में, जो जलने वाली मोमबत्ती होती है ना, कैंडल्स में यूज होता है वैक्स में। ओ लवली। आपको बारिश में तो ये जो झरने हैं बारिश में ही होते हैं। देखिए अगर सिर्फ झरना देखना है तो आप बारिश में आइए जुलाई अगस्त में। अच्छा। और अगर ये सब देखना है और झरना देखना है तो दिसंबर जनवरी भी होता है, और सिर्फ कैनियन क्रेटर भरा हुआ पानी दिखता है इसी टाइम में। लेकिन ये जो पानी आप भरा हुआ देख रहे हैं ना, ये करीब 50 मीटर पानी के अंदर डीप है, यानी 150 फीट और अंदर गहरा है। अच्छा। ये वो क्रेटर है जहाँ से वोल्केनो इरप्ट हुआ है ना, इरप्ट हुआ उसका है। ये सेंटर पॉइंट है। ओ। ये जो डिफरेंस कलर के रॉक्स आप देख रहे हैं जी, इन्हीं रॉक्सों से जो रिसर्च करते हैं, जो पत्थर से कार्बन डेटिंग निकालते हैं, और लोगों ने हम लोगों को ट्रेगे ने बताया कि ये 460 मिलियन ईयर्स पहले यहाँ पे वोल्केनो इरप्ट हुआ था, तब जाके इस 5 कलरों का रॉक्सों का कैनियन का निर्माण हुआ है। तो ये जो रॉक्स आप देख रहे हैं ना, ये 5 में जो डिवाइड हुए हैं वो देख लीजिए, ये जो ब्लैक है जो ये लावा रॉक्स है जिसे बेसाल्ट के नाम से जाना जाता है, ये जो रेड वाला जो दिख रहा है ना ये है ग्रेनाइट। अच्छा। ये सामने येलो ब्राउन दिख रहा है ना, राइट, ये है डोलोमाइट। अच्छा। डोलोमाइट। अच्छा। और ये जो हल्का सा रेड से डार्क दिख रहा है डार्क पीछे, ये है जैस्पर। अच्छा। और इसमें एक व्हाइट रॉक्स होता है जिसे क्वार्ट्ज बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट रॉक्स, जिसमें 25% इसमें क्वार्ट्ज भी होता है। क्वार्ट्ज जो घड़ी का कांच होता है। ये सब पत्थर हैं जो एक इग्नियस हैं, जो एक वोल्केनो से बने हैं, एक खनिज माइनिंग नहीं होता, या ये रॉक्स फॉर्मेशन जो आप देख रहे हैं कि सोचें कि ये रॉक हम अपन को मार्केट में कहीं मिल जाए तो मिलने वाले नहीं हैं, क्योंकि उस समय में आपको सिर्फ इसमें हर जगह से वाटरफॉल ही दिखाई देंगे, तो बारिश में ये सब दिखेगा, और मेमोरी के लिए यहाँ से खनिज माइनिंग होता नहीं है तो वो आपको मिलेंगे ही नहीं। बट ये जरूर है कि ये जो आप रॉक्स फॉर्मेशन जो देख रहे हैं पानी के प्रेशर से टूट के पानी में राउंड करते करते बड़े कलरफुल हो जाते हैं। ओ, तो ये मिलता है। अच्छा। आप इसका वीडियो बना लीजिए जी। तो ये जो पानी है जो वाटरफॉल के है वो बारिश का ही पानी है? बारिश का नहीं है, अभी पानी रुका हुआ है, डैम है ना, मैंने जो सुना था। नहीं नहीं, हम बता रहे हैं ये जो पानी है ये गहराई में है पानी, ये स्प्रिंग वाटर है, ये नीचे से भी निकल रहा है पानी। ओपन है, बहुत ओपन है यहाँ पे, बट सुंदर है। आई एम श्योर मॉनसून तो बहुत सुंदर होगा, आई एम श्योर। ग्रीन हो जाता ना जंगल, बहुत ब्यूटीफुल पानी है, ग्रीनरी है, नहीं तो ये थोड़ा स्केरी। मुझे थोड़ा हाइट का फियर है। अच्छा, कोई बात नहीं, मुझे हाइट फियर है, बट ठीक है, आई एम ओके नाउ। थोड़ा स्केरी दिखता है दूर से। यहाँ मगरमच्छ है? मगरमच्छ होते हैं लेकिन अभी इस समय में नहीं दिखेंगे मैम साहब। अच्छा। कि अभी बहुत धूप हो जाती है उनके लिए, ठंडियों में ऐसे पानी में आते हैं। कहाँ से होते हैं? यहाँ कहाँ पैदा हो जाते हैं? पैदा नहीं होते, नदी है ना, पूरी नदी है, नदी होते हुए आई है, छोटी थोड़ी है कि यमुना में डाउन होती है। अच्छा। बहुत गहराई होती है जो मगरमच्छ होते हैं ना, पूरी नदी में कहीं हो ना हो, पर यहाँ पे इतनी मछलियाँ हैं कि 20 kg से 50 kg तक की मछली पाई जाती है यहाँ पे। इतनी गहराई, यहाँ पे 150 फीट नीचे डीप में पानी भरा है, ऐसा पूरा एरिया है ना, पूरा डीप वाला ही तो है पूरा, यहाँ पे शिकार वगैरह होता नहीं है, अलाउड नहीं है, फॉरेस्ट। अब हमको फोन दे दीजिए। थर्ड पॉइंट है यहाँ, थर्ड पॉइंट से हम देख रहे हैं व्यू, इट्स ब्यूटीफुल यार, मैं कितना भी एक्सप्लेन करूँगी कम होगा, क्योंकि जो पर्सनली आके देखना एक्सपीरियंस करना वो अलग ही है मज़ा। आई एम श्योर हम बारिश के टाइम फिर आएंगे यहाँ, इट्स रियली ब्यूटीफुल।